आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सो दोस्तों, आगे मैंने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, सो आपके सामने दोस्तों मैंने ये म्यांमार की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट खोली है। इस पे चलिए पहले एफएक्यू में चलते हैं, कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे और ये देखें कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं अभी क्या होता है। खुल जाए भाई। तो आपको जब एक बार ई वीजा अप्रूव हो जाता है आपको ईमेल कर दी जाती है और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपका इश्यू हुआ कुछ तो उसमें आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम 3 वर्किंग डेज है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड अदर थिंग्स। ठीक है, आपको कोई वीजा स्टिकर्स नहीं मिलते हैं इसमें। पेमेंट पेमेंट मुझे पता है बहुत सब लोगों को ये बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है क्योंकि पैसे लगेंगे भाई। तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड वे लोग एक्सेप्ट करते हैं और फी हम लोग को शायद वहां पर जब जाएंगे तो वहां दिखा दी जाएगी। और इसमें जनरल में क्या क्या क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। बिजनेस वीजा, टूरिस्ट एंड बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं आप। आप 28 डेज रह सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे और बिजनेस वीजा पे आप 78 डेज रह सकते हैं। और अप्रूवल लेटर जो है वो डेट ऑफ इश्यू से 90 डेज के तक वैलिड है। ठीक है, चलिए पासपोर्ट में देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, 7 चिल्ड्रेन अंडर 7 ईयर उनके जिनके पास अपने हैं पासपोर्ट उनको अपना सेपरेट ई वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलिए मोटा मोटी हमें सब पता चल ही गया है। एलिजिबिलिटी एक देख लेते हैं बस। अच्छा, एलिजिबिलिटी उन्होंने ये एक वो बिजनेस वीजा के दिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं न्यू एप्लीकेशन करते हैं, टूरिस्ट वीजा पे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जरूरत है वो आपको पहले बता दिया कि आपको पासपोर्ट वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की चाहिए। एक कलर फोटो अपलोड करनी है इस साइज की जो पिछले 3 महीनों के अंदर मिली गई हो। पासपोर्ट का बायोडाटा पेज, प्रूफ ऑफ रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग भी अटैच करनी पड़ेगी आपको। आपके पास COVID-19 वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये सब वैक्सीन है जिन्होंने अप्रूव किया, मोटा मोटी सारे मैं देख रहा हूँ। और अगर नहीं है तो RT-PCR रिपोर्ट इशू एट मोस्ट 48 आवर्स बिफोर अराइवल। ठीक है, हाँ 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें एग्जेम्प्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको सब प्रिंटेड कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट जो ऊपर मेंशन की गई है उसका आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंटेड आपको प्रिंटेड लाना है तो सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रिंट कॉपी आप लेके आइए एक जरूर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और ये रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है तो उस हिसाब से। आर यू फुली वैक्सीनेटेड, तो या आप क्या वैक्सीन है। ठीक है, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, जो भी आपने लगवाई है उसमें आप वहां पे दे दे दीजिए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। अगर आपने थर्ड डोज लगवाई है तो आप डिटेल दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। थर्ड डोज को उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको इसमें लगानी है। ठीक है, मैं ऐसी एक फाइल डाल देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगेगा और इंश्योरेंस का उन्होंने सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो सर्टिफिकेट नंबर मैंने कैसे डाल दिया, डेट
परचेज डेट आपने कब खरीदा है, फाइल को भी मांगा इन्होंने, मैं एक दूसरी फाइल लगा देता हूँ, ऐसे भी हम एप्लीकेशन सबमिट तो करेंगे नहीं। तीन, मैं ये कैप्चा लिखने में बहुत बार गलतियाँ करता हूँ दोस्तों, तो माफ कर दीजिएगा अगर कभी कोई गलती हो जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या मिलता है। और आपको थोड़ा पेज को हैंडल करना है, कभी थोड़ा ज्यादा समय भी आपको लग सकता है, तो आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। ओके चलिए, फी भी आपने देख ली, $50, मैं बोल रहा था आपको वहां पर दिखा जाएगा। तो सब इस पर हम लोग नीचे जाते हैं, पेज अभी भी लोड हो रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। हाँ चलिए, नेशनैलिटी अभी भी लोड ही हो रहा है पेज। ओके अभी भी हो ही रहा है, अब हो गया फाइनली, थैंक गॉड। तो नेशनैलिटी आपसे पूछी जा रही है, आपकी जो भी नेशनैलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। पासपोर्ट नंबर बहुत अच्छे से आप अपना डिटेल वेरीफाई करके एक आध बार चेक करके आप डालिए। ईमेल एड्रेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पर आपकी नोटिफिकेशन आएगी। और अगर आपको ईमेल नहीं भी आती ड्यू टू वट एवर टेक्निकल रीजन, तो आप यहाँ साइट से भी स्टेटस चेक करके वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी टाइपिंग में भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। पोर्ट ऑफ एंट्री आप कहाँ से एंटर करोगे, टूरिस्ट वीजा, आई एग्री। हाँ अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आ गई, और आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए थे वो अपलोड करने के, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालनी होगी, और यहाँ देखिए पासपोर्ट का बायोडाटा पेज, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग जो शुरू में आपने देखा गया था। अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं पैकेज तो आपको उसके हिसाब से देना होगा, और चिल्ड्रेन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट तो वो डालना होगा, नहीं तो फिर अलग से आपको अप्लाई करना है। जैसा कि बोला गया था शुरू में आपको अपना नाम डालना, तो इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं मांगी है, और अब मैं स्मॉल में भी टाइप कर रहा हूँ तो वो कैपिटल में अपने आप हो जा रहा है, उन्होंने केस कन्वर्जन लगा के रखा है। ठीक है भाई, ये सैंपल है दोस्तों, आपको हम अपने हिसाब से एंट्री करनी है। ऑक्यूपेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन है आप वो डालेंगे। बहुत सारे कंट्रीज के वीजे प्रोसेस मैंने देखा हूँ कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं रहता है, बट यहाँ पर है। अपना परमानेंट एड्रेस देंगे तो भी आपका सही हो, फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे तो भाई फोटो डालना है, फोटो की रिक्वायरमेंट्स भी दी गई है, तो ये तो कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर जाएंगे वो दे देगा। ये पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है, डेट, इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट, ये अपने पासपोर्ट से दें और केयरफुली दें, इस समय गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप जाओगे, वहां पे कंफर्म करना रहता है, अगर आपको एडिट करनी है आप कर सकते हो, उसके बाद पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस में चला जाता है, तो आपको आइडिया मिल गया, उन्होंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन मांगी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इस तरह से आप ये खुद से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, धन्यवाद।